बेबी। हाय। सो स्वीट, एकदम फ्रेश लग रही हो यार। थैंक यू। मैं तो कॉफी पी रहा हूँ। मेरी बेबी ने टी या कॉफी पिया क्या? मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मैं वहां होता ना तो अपने हाथों से तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता। यार निकलना, निकल क्यों नहीं रही? बाबू एक मिनट। अरे यार बहन, किसी और बाथरूम में चली जा, क्यों परेशान कर रही है? क्या मैं क्यों जाऊँ सड़े से बाथरूम में? तुम लोगों ने सड़ा रखा, तुम लोग जाओ। देखो अगर तू नहीं निकली ना तो मेरी निकल जाएगी, प्लीज। एक मिनट बाबू, एक मिनट। अरे यार बहन आजा, साथ में बैठे कर लेते, क्यों टॉर्चर कर रही है यार? अभी क्या पकौड़े छान रही है, बैठ कर निकलना। यार नींद खराब कर दी। हाँ यार, यहाँ तो बोर हो रहा हूँ। ऑफिस की 4 दिन की छुट्टी है, पता नहीं क्या करूँगा। हाँ तुम्हारे फ्लैट पे कोई और नहीं होता तो मैं आ जाती 4 दिन के लिए, पर अभी क्या कर सकते हैं? तो अपने दोस्तों से बात करो ना। नहीं यार, मेरे साले फ्रेंड कहीं जा ही नहीं रहे, तुम अपने फ्रेंड से पूछो ना। पता नहीं बाबू, पूछ के बताना पड़ेगा। पूछती हूँ फिर बताती हूँ। सुबह सुबह कहाँ जा रही है? क्या मतलब है तेरा? कहीं जाएंगे तभी तैयार होंगे। ये मेरी ब्यूटी है, इसको संभालना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब कुछ भी, हटना साइड से। क्या हुआ है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो यार तुम दोनों? तू नहीं समझ गया? हट यार, ये बंदी तो छुट्टी है, तुमने कुछ सोचा? हाँ मैं तो अपने अंकल के वहाँ जाऊंगी, वैसे भी बहुत दिन हो गए उनसे नहीं मिली। सच्ची? और तू ही मेरी बहन है, लव यू। ठीक है ना, बाल मत खराब कर। ओ मेरी माँ, माँ मत बोल। ओके बेब्स, अब ठीक है? जानी सुनना। हाँ बोल। इधर आ बैठ। क्या हुआ? देख तेरे मेरे बीच की बातें किसी को बोलना मत। हाँ पहले बता तो सही। वो क्या है ना, इतना नोटिस क्यों खा रही है बताना। एक बात बता, तेरे बॉयफ्रेंड का कोई फ्रेंड है क्या? क्यों लेकिन? मैं सोच रही थी कि अगर तू तो अपने बॉयफ्रेंड को बोल दे कि वो उसके दोस्त को भी लेके आ जाए तो हम दोनों बहन 4 दिन एक साथ खूब मस्ती करेगी। पागल हो चुकी है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। अरे नहीं, हम दोनों साथ में नहीं, मेरा मतलब अलग अलग। तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ और मैं उसके फ्रेंड के साथ अकेले। चाहे वो देखने में कैसा भी हो, राइट? क्या फर्क पड़ता है, होगा तो लड़का ही ना। बस मैं मैनेज कर लूंगी। वो इससे आगे एक शब्द भी बोला ना तो जो तेरी नौटंकी है ना सबको बताऊंगी। चुप करके रेडी हो और निकल पागल। ठीक है कर, तो अकेले ही मजे, हाय लगेगी मेरी। जॉन शोभा बोलना, तू भी कहीं जाने वाली थी ना बाहर घूमने के लिए? हाँ जाने तो वाली हूँ। अच्छा तो तू अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाने वाली है? देख प्लीज कोई पंगा नहीं चाहिए, हाँ वरना ये पूरी सोसाइटी वाले हमें इस फ्लैट से निकाल फेंकेंगे, समझे? पंगा कैसे होगा यार, हम लोग तो फ्लैट के अंदर ही रहने वाले हैं। तू तो बाहर जाने की बात कर रही है, मैं तो बेड से नहीं उतरने वाली। और बता तो
जा, तुझे जो ठीक लगता है वो कर, बस। थैंक यू। डेजी, डेजी यार उठना, कुछ बात करनी है तुझसे। बेंचो। क्या बोला तूने? बहन चादर छोड़ और मुझे सोने दे। डेजी ज्यादा स्मार्ट मत बन, तूने गाली दी ना? मैंने कोई गाली नहीं दी, तू जा यहाँ से, दिमाग की दही मत कर। डेजी तूने गाली दी? बिच्छू साली कुत्ती कमीनी, जा यहाँ से। शोभा यार देख, नहीं मेरे को गाली दे रही है। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? अरे मैं ऐसे सिखा रही है कि गाली क्या होती है, बात करना बंद ही नहीं करती है, बकबक बकबक चालू रहता है इसका। यार डेजी देख, इसका ना बॉयफ्रेंड आने वाला है, तू प्लान चौपट मत कर यार, मैं और पू भी तो जा रहे हैं ना, तू भी चले जा कहीं। मैं कहीं नहीं जा रही है, मैं यहीं है, इसे जिसे बुलाना है बुला ले, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और हाँ, तुझे जो करना है ना अंदर कर लेना, मैं देखूँगी नहीं। डेजी, डेजी पक्का ना तो नहीं उठेगी? पक्का नहीं उठेगी ना? चल निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे पैसे। जानवी, जानवी मेरी जान, लो देख मैं उठ गई, ठीक है। और हाँ, कहीं ना कहीं चले जाऊंगी। तो यार छोटी छोटी बात पे पैसों के बीच में क्यों लाती है? हाँ चल जा, बुला ले जिसे बुलाना है बुला। निकल गई हवा। देखी है पर तेरे जैसी मुंह चलाने वाली बाई तो बिल्कुल नहीं देखी। तेरे को ना काम करने के पैसे देते हैं, मुंह चलाने के नहीं। चुप करके काम करो यार, दिमाग मत खराब करो। ए दीदी, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं मेरे से। शायद आपको मालूम नहीं है हर घर में हम बाइयों की कितनी इज्जत होती है। मैडम लोग अपने पति को इतनी इज्जत नहीं देते जितनी हम बाइयों को देते हैं। एक दिन पति घर ना आए ना तो उनको चलता है, लेकिन हम बाई ना आए ना तो बेचैन हो जाती है। ओ शांति बाई, जरा शांति रखो और जाके घर का काम करो। शांति फैला रखी है। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? हाँ ऐसे काम नहीं करेगी हमें, बोले तो काम छोड़ के चली जाएगी, लेकिन अपन को इज्जत मांगता है। इज्जत मांगता है? ये कौन है शांति बाई से बदतमीजी से बात कर रहा है? हाँ शांति बाई साली कुत्ती कमीनी हरामजादी हरामखोर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंसान होने के साथ साथ बाई बहुत अच्छी है। अरे पूरे शहर में जाके ढूंढ के दिखाओ तो मैं मान जाऊं। मैं शांति बाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, समझे? अरे शर्म करो, शांति बाई वो है जो हमारे इस कबूतर खाने को साफ करती है, हमारा कितना ख्याल रखती है वो। अरे ये तो देवी है देवी, इसकी पूजा करनी चाहिए। और तुम लोग ठीक? दीदी तुम ही तो हो जो मुझे इतना समझती हो और कोई ना समझता। आई लव यू दीदी। इतना कंट्रोल तो हमारे माँ पापा का भी नहीं चलता हमारे ऊपर जितना ये काम चोर करके बैठी हुई है। दिखती है लेकिन है नहीं। जिसको कामचोर दिखती है वो अपना काम जाकर खुद करे। जाओ उठो। यार तुम लोग ना ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो और तू जाके अपना काम कर। कब से बकबक कर रही है? मैं तो अपना काम ही करती है
भला आप ही बताओ, मैं कभी किसी से कुछ कहती है? चुपचाप आती है, अपना काम करती है, चली जाती है। हाँ, मेरी माँ तो किसी से कुछ नहीं कहती। जा अपना काम कर, जा। अरे शांति भाई, हाँ ये देखना कैसी लग रही है। क्या दीदी, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा रुक, दूसरी दिखा दे, ये देख। नहीं दीदी, ये वाली। दीदी मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, मुझे सफाई करके जाना भी है। अच्छा यार, इनमें से बताओ। टाइम नहीं है बोला ना आपको। अरे तू छोड़िए, हम कर लेंगे। तू इधर बैठ और ये बता कौन सी अच्छी लग रही है। मुझे बाहर जाना है। पक्का कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। अच्छा तो फिर मैं बताती है। दीदी आजकल ना लोग अपने ड्रेस के साथ ऐसे मैचिंग वैचिंग करते, ये ऐसे ही नहीं लगाते। अच्छा तो दिखा दियो ना देखो ड्रेस। बैठ तू। अच्छा, बैठ। ये वाली? ना दीदी ये नहीं अच्छा लग रहा, दूसरी दिखाओ ना। ये दिखा। ना ये भी नहीं, वो अरे वो येलो वाली दिखाओ ना। ना दीदी ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ये लड़कियाँ ये छोरियाँ ये क्यूट क्यूट गोरियाँ, ये लड़कियाँ ये छोरियाँ ये क्यूट क्यूट गोरियाँ, सरेआम करती ये कत्ल, आँखों से आँखों से आँखों से मारे गोलियाँ। ये लड़कियाँ ये छोरियाँ ये क्यूट क्यूट गोरियाँ। कुछ नहीं, पू दीदी पूछ रही थी तो बस मैं ये बता रही थी कि उन पे कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है और कौन सी नहीं। अच्छा दीदी की अम्मा, ये सफाई कौन करेगा? मेरे को क्या मालूम, मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती है, 7:30 बजे 103 वाली के यहाँ, 8:30 बजे 602 वाली और 9:30 से 10:30 यहाँ पे काम करती है। अब मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में जाना है काम करने के लिए 10:30 से 11:30 बजे तक, और कितना काम बाकी है। अपने हस्बैंड को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, ये काम के चक्कर में इतना टाइम भी नहीं बचता कि हम लोग एक बच्चा पैदा कर ले। तो तू बच्चा नहीं कर पाती, इसमें हमारी गलती है। ना दीदी वो क्या है ना, मैं काम कर करके इतना थक जाती है ना कि रात को कुछ हो ही नहीं पाता। बेचारा मेरा पति बोलता रहता है अग अग और मैं सो जाती है। शांति भाई जरा डिटेल में बताओ ना। तुम बोलो ना, चुप करो और ये बता तुमने काम क्यों नहीं किया। वो पू दीदी ने बोला तू ये सब छोड़ दे हम लोग कर लेंगे, तो मैंने छोड़ दिया। क्या पू? ए, क्या हुआ क्या हुआ? ये हमारी मैडम हमारे हीरोइन के साथ इतनी बिजी थी कि इसने काम ही नहीं किया। ए पू तू पागल हो गई है? तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बेकार के कामों में लगाया है, काम कब होगा? यार कर लेंगे ना हम लोग, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा तो अब मैं चलती है, मेरा टाइम हो गया। अरे तो ये कमरा तो साफ करती जा। ना दीदी ना, बाजू वाली मैडम के यहाँ लेट हो जाएगा काम करने के लिए। और हाँ दीदी मैं 3 दिन नहीं आएगी, और क्या है ना मेरे हस्बैंड ने 3-day 2-night का हॉलीडे पैक लिए गोवा का, तो मैं उनके साथ घूमने जा रही है। वाह वाह वाह, नवाबी तो देखो मैडम की। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसे क्यों झेल रहे हैं, निकाल क्यों नहीं देते हम इसे? तो निकाल दो ना और मेरा हिसाब भी कर दो। हाँ। ए तू रुक इधर, तू क्यों छोड़ेगी और तू कौन होती है इसे निकालने वाली? हाँ शांति भाई तू जा आराम से गोवा जा और मस्त घूम के आ जा। शांति भाई हाँ बिकनी पहनना मत भूलना।
कौन करेगा? जिसका बॉयफ्रेंड आ रहा है वो ही करेगा, हम क्यों करें? सही बात है। तुम दोनों को पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है और ये दोनों ने जानबूझकर के भाई को भगाया है। तू पागल है क्या? कुछ नहीं सोचती है। ये देखिए सही है। मैंने एक बात बता, अब तू मुझे भी यहाँ नहीं रुकने दे रही है। अब तू और तेरा बॉयफ्रेंड अकेले रहेंगे। तुम लोग 3 दिन क्या करने वाले हो? तुम्हें याद करने वाले हैं। अरे पू, हाँ? वो मंदिर में क्या बजाते हैं? घंटा। घंटा कुछ करेंगे ये दोनों। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है देव जी की बच्ची? तू तो जा यहाँ से, मुझे हाथ मत लगा। जब करती है शरारते हिल जाती है मारते मारते। ना खराब हो गया। डेजी तू ना कमजोर है। अच्छा हाँ ये देख, टच कर। वो बात नहीं है इसमें। अच्छा हाँ तेरा दिखा, रुक 1 मिनट का। अरे रुक, दिखाती हूँ। बैंजो पागल है क्या? सॉरी दोनों जानवरों के साथ क्यों नहीं रह लेते? वैसा कौन सा इंसानों के साथ रह रहे हैं? हो गया तेरा क्या है? चिल्ला क्यों रही है? यार फ्रिज को स्टोर रूम बना रखा है तुम दोनों ने। क्या बात करी, चल दिखाओ। चल डेजी ए चल, फ्रिज को इधर लेके आ, मैं नहीं जा रही। अच्छा चल 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 आ, ये देख। क्या देखो, ऐसा ही तो होता है फ्रिज। हाँ सामान फ्रिज में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तेरे सर पे? यार ऐसे जानवरों के जैसे ठूस ठूस के कौन रखता है सामान? देख जानवी, फ्रिज में जगह कम है और सामान ज्यादा, तो इसका ये हाल तो होगा ही। और मैं रोज रोज जाकर सामान नहीं ला सकती, मेरा एक ही बार में आता है सब। देख डेजी, तू पूरा मार्केट उठा के ला, पर मेरे सामान के साथ अपना सामान मत रख, समझी? ओ तो तू फ्रिज का बंटवारा कर रही है, तो ठीक है हम भी हमारा सामान अलग रखेंगे। हाँ कर ले बंटवारा। ठीक है फिर ये ऊपर वाला मेरा। क्यों तेरा ऊपर वाला? क्योंकि तुम लोग सामान ठूस ठूस के रखते हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बड़ा चाहिए, दैट्स इट। अबे ऊपर हो या नीचे, सबसे बड़ा वाला रख मेरा होगा। एक काम कर, तू फ्रिज रख, पूरा फ्रीजर मेरा। तो बियर भी लाने वाली है? हाँ सिर्फ तेरे लिए, ये सब आइसक्रीम आइसक्रीम निकाल इधर से, चल। वो बियर की दुकान, चल आज फैसला हो ही जाए, शोभा के पास चलते हैं। शोभा को इधर बुला। शोभा इधर नहीं आएगी। अबे फ्रिज इधर है तो शोभा इधर आएगी ना। तो चल रही है कि नहीं? दे लिए। चल यार देती, आज बंटवारा हो ही जाए। शोभा यार, यार तूने मेरी अम्ब्रेला देखी क्या? यार शोभा तू नीचे आ, आज एक फैसला कर लेते हैं। काहे का फैसला? यार फ्रिज का बंटवारा कर देते हैं। क्या सी, ये दोनों ना ठूस ठूस का सामान रख देते हैं फ्रिज में। हाँ तू बढ़िया ही, सफाई की देवी। हाँ यार शोभा, ये ना जब देखो तब चैचे करती रहती है फ्रिज को लेकर, तू ना बंटवारा कर दे, अब से सामान हम अलग अलग रखेंगे। हाँ और सबसे बड़ा रैक मुझे चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान मेरा होता है। एक मिनट, तुझे क्यों बड़ा चाहिए? देख सबका सामान है, बराबर में बंटवारा होना चाहिए। शोभा तू ना फ्रिज के 3 बराबर हिस्से कर दे, क्योंकि अब से इस घर में जो भी आएगा बराबर बटेगा। अच्छा बराबर बटेगा? हाँ मुझे समझ में आ रहा है तेरा इशारा कहाँ जा रहा है।
एक मिनट, तू मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात तो नहीं कर रही है ना? सोचना भी मत। ओ प्लीज, मैं तो खाने की बात कर रही थी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हो गया तुम तीनों का? और मेरे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा, है ना? तुझे भी इंटरेस्ट है जानवी, इसको भी इंटरेस्ट है। होगी नौटंकी, उस फ्रिज की EMI भरती हूँ मैं, और वो फ्रिज बटेगा तुम तीनों में। ज़्यादा नौटंकी की ना तो फ्रिज में ताला लगा दूंगी और चाबी रखूंगी अपने पास, और तुम लोगों को आइसक्रीम भी रखने नहीं दूंगी, समझे तुम तीनों? पागल औरत। शोभा यार, तू ही सफाई करवा दे, ये लोग तो सफाई करने के मूड में नहीं लग रहे। हम क्यों कराएं सफाई? हमारा बॉयफ्रेंड थोड़ी आ रहा है। हाँ, अगर हमारा बॉयफ्रेंड आ रहा है तो तू बैठ, हम करते सारी सफाई। छोड़ रहन दे, ऐसे ही ठीक है। तुम लोग यार सुन, मैं आती हूँ, रूम साफ मैं कर देती हूँ, और तू किचन और बाथरूम साफ कर देना बस। हाँ हाँ शोभा, तू ही जाके इसकी मदद कर ले, नहीं तो इसका वो आएगा ना तो 3 दिन सफाई में ही चले जाएगा इन लोग का, कुछ कर नहीं पाएंगे। डेजी, कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? शोभा शोभा देखना बाहर कितना सेक्सी मौसम हो रहा है। तो जानवी के तो मजे ही मजे है, बहुत इंजॉय करेगी। हाँ यार मतलब तू खुद के बारे में भी सोच लिया कर ना, हमेशा दूसरों की खुशियों पर नजर रखती है। यार कोशिश तो कर रही हो ना। एक्सक्यूज मी, मैं रेडी हो जाऊं। मेरा पिया घर आया राम जी, मेरा पिया घर आया राम जी, तारे भी साथ लाया मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया। डेजी नाइस शूज कल ही लिया, ने गाना क्यों बंद कर दिया? गाना नहीं यार, दूसरा गाओ। नहीं ये वाला गा, दूसरा ज्यादा अच्छा है। अच्छा सुना, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों घबराए, साजन जी घर आए। डेजी की बच्ची चुप। यार चलो ना, क्यों इतना लेट कर रहे हो तुम लोग? उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है यार। ओहो बॉयफ्रेंड उसका है, और चिंता तुझे हो रही है? वैसे भी अगर हम उसे मिल भी लेंगे तो कौन से उसमें लगे हुए हीरे मोती चुरा लेंगे? जितने मौके तो लगती है ना लड़कों के लिए, तो किसी का कुछ भी चुरा सकती है। ओ प्लीज, मेरे ऊपर भी एक से लड़के मरते हैं, वो अलग बात है, मैं किसी को भाव नहीं देती। अच्छा, हमने तो किसी को मरते हुए नहीं देखा। अभी जब मर जाएंगे तो दिखेंगे कैसे? डेजी सॉरी सर। यार बॉयफ्रेंड मेरा आ रहा है, तुम दोनों इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? लो रोहन आ भी गया। मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? हाँ थोड़ा नीचे कर। हाँ नीचे ठीक है, ओके। साजन जी घर आए, साजन बिल्कुल बहुत अच्छा, तू कैसी है? मैं भी अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। गाइस अंदर आके रोमांस कर लो ना, वो सामने वाली आंटी देखेंगे ना तो बेहोश हो जाएंगी। प्यार किया तो डरना क्या, क्यों बाबू? यस बहन, प्यार तूने किया ना, हमने नहीं, हमें डर लगता है। प्लीज अंदर आ जाओ। डेजी इज सो हॉट, चलना जाना कैंसिल करते है ना? भाई मेरे, इसे तो माफ कर दे, इस पे डोरे मत डाल,
वो बहुत सीरियस है इसके बारे में, मार देगी तुझे। ओ प्लीज। हाय, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी आ गए। हम बस निकल ही रहे थे। इंट्रोड्यूस करा दो, शोभा। हेलो। डेजी। हाय। वो। हेलो। और ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड रोहन, मेरी जान। इतना चिपक रही है तो बॉयफ्रेंड ही होगा, इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? रिलैक्स। अब कौन आया? दूध वाला होगा, देख लें। करती हैं शरारतें, शरारतें हिल जाती हैं इमारतें, इमारतें चारों मुझे सच सच बताओ, कौन है ये लड़का? पापा ये बस का बॉय बॉय है, बॉय हमारा बॉय। बॉय बॉय मतलब? बॉय मतलब वो घरों में काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए काम वाली बाई होती है ना, वैसे ही हमारा बॉय है। लेकिन कपड़े तो इसने बहुत अच्छे पहन रखे हैं। हाँ, कपड़े तो इसने बहुत अच्छे पहने है ना? इस घर का नौकर कम और मालिक ज्यादा लग रहा है। पापा वो एक्चुअली ये अपने भाई की शादी में गया था, इसलिए इसने नए कपड़े पहने, आई मीन बनवाए हैं। पापा देखिए ना ये बैग अभी अभी जस्ट आया है। ए इतना लेट क्यों हो गया? अरे वो मैडम वहाँ पे। जो भी, अंदर जा अपना काम कर। जी। ए सुन, अपना बैग लेके जा। पापा आप रिलैक्स हो जाइए, सब ठीक है। हाँ। ए रोहन पापा के लिए पानी लाना। हाँ जी आया। मैं लाती हूँ पानी। तू क्यों देगी? अरे जब रखा है लड़का तो लाने देना उसको। पापा मेरे हैं तो सोच रही हूँ मैं ही पानी लेके आ जाऊँ। नहीं बेटा तू रहने दे, वो लेके आएगा। जी पापा। मुझे तो रह रह के गुस्सा आ रहा है लड़का। अरे वो भी तुम लड़कियों के बीच, सब क्या सोचेंगे? लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों के साथ एक लड़का रहता है तो तुम लोगों की शादियां तक होनी मुश्किल हो जाएगी। पानी ठंडा है? नहीं ठंडा है, पानी ला। रहने दे, जो लाया दे। कभी सोचा इस बारे में? हाँ पापा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नॉर्मल लड़का नहीं है, वो है। वो है? वो मतलब? वो मतलब गे। तुम जाओ अंदर अपना काम करो।
मुझे एक बात बताओ, अगर ये गु छे नहीं नहीं क्या बताया बेटा तूने, क्या है ये? पापा गु नहीं, गे 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 है ये। वो अभिषेक बच्चन की फिल्म नहीं देखी है दोस्ताना, वो मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया, गे 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 गे। ऐसी पिक्चरें मैं नहीं देखता, मैंने सिर्फ अमिताभ की दोस्ताना देखी है। ओह सॉरी पापा, मुझे सिर्फ तीन तरह के इंसानों के बारे में पता है बस, आदमी या लड़का, औरत या लड़की, या तो फिर किन्नर। ये किन्नर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये किन्नर नहीं है। सच बोली, इसको ज्यादा पता होगा। तो फिर ये गौ गे कौन सी नई चीज है? अरे पापा ये गे की बात छोड़ो ना, आजकल तो इंसानों में ही इतनी नई नई प्रजातियां निकली है, एक एक करके बताऊं तो आपको सदमा लग जाएगा। अब वो सब छोड़ना, बता तो दिया ना पापा को कि वो गे है, डिटेल्स में क्यों जा रही है? हाँ हाँ, तो उससे क्या, जो भी आई है उसको लाइसेंस मिल जाता है क्या लड़कियों के साथ रहने का? नहीं पापा, कैसा है ना कि हम लड़कियों को गे से कोई खतरा नहीं होता। अच्छा जी, फिर कौन सी बिरादरी के होते हैं ये गे? पा, इनकी कोई बिरादरी या धर्म नहीं होता, ये तो हर एक जाति धर्म और बिरादरी में पाए जाते, ये आम इंसानों की तरह ही होते, लेकिन इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बेटा पू, मुझे भी जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, अपने बाल मैंने ऐसे धूप में सफेद नहीं किए हैं। लेकिन पापा आप फिर भी सफेद दाढ़ी में बहुत सेक्सी लगते हो। तुम चारों के चारों लड़कियां उल्टी सीधी बात किए जा रही हो, साफ साफ बताओ ये गे शब्द का मतलब क्या होता है, बोलो। पापा ये आपको जानवी समझाएगी। मैं? हाँ बेटा, तू सही तरीके से बता पाएगी। हाँ बाबा, एक्चुअली गे वो होते हैं कि जो जो आदमियों को पसंद करते हैं, हाँ वो गे होते हैं। अच्छा, तो वो गे हो जाते हैं? हाँ हाँ। तो इस लिहाज से हम भी आदमियों को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब हम गे हो गए। वो क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई एम द गे, क्यों डेजी बेटा? बिल्कुल राइट पापा। नहीं पापा आप गे नहीं हो, तू चुप कर। तुम चारों लड़कियां उल्टी सीधी बात किए जा रही हो, साफ साफ बताओ कौन है ये लड़का? बताया तो आपको ये गे है। देखो बेटा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिंदी में मुझे साफ साफ समझाओ ये गे शब्द का मतलब। पापा मैं बताती हूँ आपको। हाँ तू बता बेटा, इन सब में तू ही सबसे ज़्यादा समझदार है। जी पापा। हाँ हूँ तो। इन सब को छोड़, तू बता। पापा ये वो होते हैं जो ना लड़कियों से दूरी बना कर रखते हैं, ना वो लड़कियों को टच करते हैं, ना वो खुद को लड़कियों को टच करने देते हैं, और पापा ये गे तो शादी भी नहीं करते। अच्छा जी पापा, अब समझा ये गे क्या होते हैं। डेजी यार, हमारे बीच में चाहे कितनी भी मस्ती या फिर कितने भी झगड़े हो जाए, पर बीच में रोहन को फंसा कर अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने उसे फंसाया नहीं है, बल्कि तुझे और रोहन को पापा से बचाया है, तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए। किस बात का एहसान? तूने रोहन को काम वाला बना दिया इसलिए, या फिर गे बना दिया इसलिए? और कोई रास्ता था तेरे पास? अगर पापा को तेरे और रोहन के बारे में पता चल जाता ना, तो तेरी जान ले लेते और अभी का अभी तुझे गांव ले जाते, गांव में किसी लड़के से शादी करा देते, फिर तू रहती वहां जिंदगी भर बहन जी बनकर। था रास्ता, इलेक्ट्रिशियन बोल देती, कोई लड़का आया है मिलने बोल देती, कुछ भी बोल देती यार। बहुत तेरे पापा मान लेते, वो अपना बैग भी लाया था साथ में। अरे इतना समझाने के बाद वो गे की बात समझे नहीं, अब जाके समझे, और वो ये मान लेते कि वो इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, लेकिन जानवी यार, डेजी बिल्कुल सही कह रही है, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था यार। तुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए, और तू उससे लड़ रही है सीरियसली? इसके साथ तो कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ये उल्टा ही समझती है। चल डेजी, हम लोग चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं।
शोभा यार प्लीज तुम लोग रुक जाओ ना, मेरा ऐसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। और फिर तुम लोग चले जाओगे तो पापा को तो पक्का शक हो जाएगा हमारे ऊपर। प्लीज यार पू प्लीज। लेकिन यार प्लीज यार गाइस रुक जाते हैं प्लीज, जानवी को हमारी जरूरत है। चल रूममेट है और तू बोल रही है इसलिए रुक जाती हूँ, लेकिन आगे से मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। तुम लोग को जो करना है कर लेना, समझे? यार पापा गांव से कुछ खाने के लिए नहीं लाए? अबे मोटी खा खा के फट जाएगी। अबे मेंटेन करना पड़ता है, तुझे क्या मालूम कैसे बनते हैं। पापा कहाँ हैं? बाथरूम में। यार पापा कुछ खाने के लिए नहीं लाए? ये ले तू ही खा ले। अब समझा ये गेट क्या होते हैं। तुम लड़कियां अब सेफ हो, पर बेटा ऐसे ऐसे लोग तो बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, ये लोग तो बाबा होते हैं, ये थोड़ी ना होते हैं। ओह तो जो लोग बाबा होते हैं उनको गे बोलते हैं, ऐसा ये मुझे नहीं पता था। पापा बाबा लोग गे नहीं होते हैं। बेटा तुमने ही बोला ना कि ये लोग शादियां नहीं करते, औरतों का टच करना उनको पसंद नहीं है, औरतों का करीब आना उनको पसंद नहीं है। तो बेटा ऐसे गुण तो बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों में होते हैं, इसीलिए मैंने बोला। पापा ये सब ना आपको जानवी अच्छे से समझा देगी। अरे इसको कुछ नहीं पता, तू बता, तू सही तरीके से बता पाएगी। हाँ तू ही बता दे। हाँ तू मस्त तरीके से समझाएगी। बोल ना बेटा मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। पापा ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ आदमियों को ही पसंद करते हैं, उनका ही टच पसंद है, उनसे ही प्यार करते हैं, उनसे ही शादी करना चाहते हैं, और अगर वो माँ भी बन सकते हैं ना तो उनके ही बच्चे की माँ बनना पसंद करेंगे। चलो ये तो पक्का हुआ कि तुम लोग इसके रहते हुए सेफ हो, पर बेटा फिर भी बाई रख लेती वो ज़्यादा सही होता। वो क्या है ना पापा आजकल अच्छी बाइयाँ मिलती भी कहाँ हैं। वो भी सही है, लेकिन बेटा बाहर के लोगों को थोड़ी ना पता है कि ये गे है, वो लोग क्या सोचेंगे। पापा और गे इसका तो पता नहीं, लेकिन इसको देख के तो कोई भी बता देगा कि ये गे है। अच्छा हाँ वो कैसे? अभी बताती हूँ। रोहन बताइए क्या चाहिए आपको। ठीक है जा।
हाँ बेटा देखा आपने, बिल्कुल लड़कियों की तरह चल रहा है। सही बोला बेटा तुमने, मैंने गांव में ऐसे लोगों के बारे में बहुत सुन रखा है। सुना है ना पापा, बस वही है ये। बाबुल करा क्या हुआ? अरे दुखी क्यों है? दुखी और हम, दुखी हूँ हमारे दुश्मन। आपको कुछ चाहिए क्या? बोली है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, बस नहाने जा रहा था। सॉरी। क्या हो रहा है यार? जब तुमको पता है तुम्हारे पापा आने वाले हैं तो मुझे क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं पता था कि पापा आने वाले हैं, ये तो अचानक से। तो मैं क्या करूं, 3 दिन नौकर बना रहा हूं, गे बना रहा हूं। बाबू मुझे पता है कि आपको ये सब देखकर बुरा लग रहा है, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पापा को अगर हमारे बारे में पता चल गया ना तो मुझे अभी के अभी यहाँ से लेके जाएंगे और किसी भी उल्लू के पट्टे के साथ शादी करा देंगे यार। I don't know ना how much I love you. मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रूहान, क्यों नहीं समझ रहे हो? यार जानवी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू, पर एक बहाना और कर लो। पापा से बोल दो रूहान ने काम छोड़ दिया है, मैं जाता हूँ। ठीक है रूहान, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से पापा को मनाया है और 3 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो तुम चाहती हो कि मैं सब ये करूँ, नौकर बनूँ, गे बनूँ, यही करता रहूँ? इसका मतलब तुम उससे प्यार ही नहीं करते ना। फिल्म हीरो नंबर 1 में गोविंदा ने अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, इतने बड़े बाप का बेटा होने के बाद में। और तुम? ओए, गोविंदा ने पैसे के खातिर रोल किया नौकर का, और यहाँ पे तो मेरी इज्जत भी जा रही है, और पैसे तो छोड़ ही दो। पर बाबू तुम्हें प्यार तो मिल रहा है ना? नहीं चाहिए ऐसा प्यार। एक काम करो रोहन, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ ना। अरे रहने दो मुझे, ऐसे ले जाने दो पापा को, जाओ यार। यार जानवी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, नहीं जाऊँगा कहीं छोड़ के, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम्हारे पापा पक्का 2 दिन में चले जाएंगे ना? 2 दिन में पापा? 3 दिन पक्का पक्का पक्का, 3 दिन में पापा चले जाएंगे। प्लीज प्लीज समझो ना। ओके 3 दिन पापा, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ 3 दिन। ओके तुम ऐसे करो, हाँ लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, राउंड राउंड करो। ओके दिन में 3 बार किया करो, जो लड़कियों के जैसे पूरे घर में मचकते रहते हो ना, सब सही हो जाएगा। ओके अब मैं यही करूंगी, उफ करूंगा। अब क्या हुआ पापा? बेटा तू उसकी लचक छोड़, साबुन ला दे मुझे जरा। हाँ पापा, देखना बैग के सामने पॉकेट में होगा। माँ आपको पता है जानवी की तबीयत खराब हो गई थी, तो क्या करूँ मैं, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। और आपको पता है ना कि ये लोग अपना ख्याल नहीं रखते बिल्कुल, अगर मैं ना रहूँ तो। जी और बताइए आप कैसे हैं? माँ हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ था कि हम लड़के को लेकर बात नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँ अगर वो मुझे देखने आया तो? मुझे नहीं करनी शादी माँ, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जब अगली बार आऊँगी तो उस गधे के बच्चे से मिल लूँगी, बस लड़के से, उस लड़के से मिल लूँगी। खुश माँ? हाँ माँ ठीक है, ठीक है मैं रखती हूँ, आप अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। ओके माँ बाय, लव यू। जी माँ। ये तुझे लड़के वाले देखने आ रहे? हाँ मतलब, हाँ तो पागल अच्छा है ना, जाना। तो इतनी डेस्परेट क्यों रहती है लड़कों को सुनकर?
जाना चाहिए ना तुझे। देख मुझे ना सच में नहीं करनी शादी यार। क्या है, जानने के लिए भी रोहन है, तुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। डेसी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे लिए कोई नहीं है। लड़कों के अलावा और कुछ नहीं है ना तेरी लाइफ में सोचने के लिए। क्या सोचूं? ये सोच कि पापा से रोहन और जानवी को हम कैसे बचा सकते हैं, है ना? कुछ सोचने जैसा है इसमें। जाओ वहाँ पे बैठ के सोच। अब मेरी लाइफ में बचा ही क्या है इसके अलावा। डेजी डेजी यार ये देखना कौन सा पहनो। यार ये सब मुझे मत पूछ। ओ ओ क्या देख रही है? कुछ नहीं, कॉमेडी वीडियोस देख रही हूँ। कॉमेडी वीडियोस देख रही है, कपिल शर्मा की या फिर सनी लियोनी की? सनी लियोनी। डेजी ओ सॉरी मियां खलीफा। तूने ना प्रूव कर दिया कि तू पागल है। तुझे जरा सा भी एहसास नहीं है ना, घर में रोहन है, पापा हैं, अगर दोनों देख लेते तुझे ये सब करते हुए तो? वो भी एंजॉय करते। और क्या डेजी? जानवी तू ज्यादा मत बोल, पापा कैसे देखते? मैं आप कोने में बैठ के देख रही हूँ। जानवी सुन, ये वाला ड्रेस क्या हो गया? यार ये लड़की एकदम बेवकूफ है, दे। हुआ क्या लेकिन? अरे ये वहाँ बैठ के पॉर्न वीडियोस देख रही थी और इसे लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड को सोच के ये वीडियोस देख रही है। अरे मैं नहीं देख रही थी। चुप कर, मुझे मालूम है तेरे फोन और लैपटॉप में क्या क्या भरा हुआ है। वो पहले था, अभी नहीं है। और ये कोई बहाना बना नहीं सकती, सीधे सीधे बोल नहीं सकती, तो अपने पापा का बहाना बना दिया। ये ऐसा कब बोला मैंने? देख माना कि तेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग का बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग यहाँ नल्ले बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन हम लोग तेरे बॉयफ्रेंड को देख के कुत्ते के जैसे लार टपका रहे। यार जानवी हम तेरे लिए अपनी छुट्टियां छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं और तू हम सबके बारे में ये सोचती है? शर्म आनी चाहिए। मिल गई खुशी कहानी बनाकर? हैप्पी बहुत। तो जा यार, तू ही सही है, हट। हाँ भाई हाँ, ठीक है तुम्हारी बेटी। अरे कितनी बार वही बात तुम पूछती रहती हो, तुम्हारी इन्हीं बातों से बचने के लिए मैं यहाँ आया हूँ बेटी के पास। चलो अब रखो फोन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेटा जानवी की मम्मी का फोन था, सारा दिन कचर कचर करती रहती है। अरे तो उन्हें भी साथ ले आते? क्या बात कर रही है बेटा, उससे बच के तो मैं यहाँ आया हूँ। ओ मम्मी परेशान करती है? जस्ट चिल पापा, ईट चिवड़ा। पापा और बताइए आपकी नौकरी कैसे चल रही है? काहे की नौकरी बेटा? क्यों पापा क्या हुआ? अरे पूरा दिन सरकारी दफ्तर में घिसते रहो घिसते रहो, ना एसी है ना ढंग के पंखे। ऑफिस तो बेटा तुम प्राइवेट नौकरियों वालों का होता है, हुँ? पूरा दिन एसी में बैठे रहते हो, मजाल है? थकान छू जाए? मुझे तो लगता है कि पसीना क्या होता है ये भी तुम लोगों को नहीं पता। अरे पापा आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ ना, हम आपके लिए कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेंगे। बेटा अब क्या बुढ़ापे में रिटायर होने की उम्र में मुझे नई नौकरी दिलवाएगी, हुँ? हमारे लिए सरकारी नौकरी ही ठीक है। बेटा काम करो या ना करो पैसे पूरे मिलते हैं। और पेंशन भी तो मिलती है आपको बुढ़ापे में? हाँ बेटा। वाह। बुढ़ापे में पेंशन मिलती है वो अलग। जी पापा ये अच्छी बात है सरकारी नौकरी की। अरे तू पूरा खा गई? कम खाया कर बेटा। जानवी लड्डू निकाल बेटा। पापा लड्डू भी लाए? क्या कर रहा? पापा को पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। शांत
बिल्कुल शाम, तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्यार कर लो तुम्हें। यस बेबी बेबी, तुम खाना तो बनाना आता है ना? मतलब ये कि अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना आएगा तो पापा को शक हो जाएगा, और फिर पापा को शक हो जाएगा तो वो मुझे यहाँ से। हाँ बस समझ गया, तुम्हारे पापा तुम्हें ले जाएंगे गांव में किसी उल्लू के पट्टे से शादी कर देंगे, तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। और तुम? मैं भी नहीं जी सकता, इसलिए तो ये कर रहा हूँ, ये सब कुछ सह लूंगा यार, मैं नौकर बन जाऊंगा, गे बन जाऊंगा, पर ये सोचो कि पापा को यहाँ से कैसे निकालना और जल्दी निकालना। उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके लिए कुछ ना कुछ मैं प्लान कर लूँगी। और हाँ, अगर छोटी मोटी गलती कुछ हो जाए ना तो प्लीज़ तुम संभाल लेना, ठीक है? डोंट वरी यार, मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ कर लूँगा, तुम प्लीज़ किस दो, एक किस दो, प्लीज़ दो। बाद में ले लेना, तीन दिन की बात है यार, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, छोटी वाली दे दो ना, दो ना। प्लीज दे दो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, करो ना प्लीज करो। ओके जानवी बेटा। पापा जाओ यहाँ से, सुनो खाना अच्छे से बना लेना। हाँ बोल। अबे कहाँ है तू साले यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अबे साले अपना क्या, अपने तो साला वही रोड पर धक्के खा रहे हैं। साले मजे तो तेरी हैं, तीन दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में रहेगा? घंटा गर्लफ्रेंड की बाहों में, यहाँ पे मेरी लगी पड़ी है, फंस गया हूँ यार मैं। क्या हुआ भाई साले, तू टेंशन में लग रहा है यार? क्या बताऊँ यार तुझे, वो मेरा ससुर मतलब जानवी का पापा है ना, मेरे हाथ ही टपक गया बेटी के साथ छुट्टी मनाने। तू तो गया काम से भाई, कुछ करते हुए तो नहीं पकड़ा ना उसने तुझे और जानवी को? हाँ मजे ले ले भाई, करने की बात कर रहा है, मैं बस पहुंचा ही था और पीछे से बाप आ गया। अच्छा वो जानवी की फ्रेंड है ना, उसने बचा लिया। बचा लिया? क्या बोलकर बचाया? यार नौकर बोल के बचा दिया यार। बड़ी सही फ्रेंड है यार जानवी की। हाँ और फिर क्या बताऊं, तू हंसेगा यार, तेरी फटके हाथ में आ जाएगी अगर तू सुनेगा। अबे ऐसे कैसे फट जाएगी, अपने भाई को इतना कमजोर समझा गया? हाँ बता हुआ क्या, तू ये बता। तू सुन, नौकर के साथ साथ मुझे उन्होंने गे बना दिया यार। अबे तेरी गे बना दिया उसने तुझे? हाँ साले अब तो तेरे साथ रूम में रहने और भी मजा आएगा। हाँ तो मेरा मजाक मत उड़ा, बस मुझे यहाँ से निकलने का आइडिया दे। अबे मैं मजाक नहीं हंस रहा हूँ थोड़ा, चल ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुन, चिल रख माइंड, ध्यान से सुन जो बता रहा हूँ। बिल्कुल सही यार, मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। अबे साले थैंक यू तो बोल दे। रखता हूँ। साला एहसान फरामोश गे। सारे के सारे मोबाइल टावर टूट जाए, नेटवर्क जाम हो जाए, मोबाइल फैक्ट्री में आग लग जाए, कम से कम लोग घर में एक दूसरे को समय तो दे पाएंगे। घर में इतने सारे लोग हैं और सबके सब मोबाइल में लगे। हाँ पापा सही बोल रहे हो आप। हाँ पापा सही बोल रहे हो, तो भी तो लगी पड़ी है। सॉरी पापा अब बोलो। क्या बोलूं बेटा, भूख लगी है और तुम लोग सब मोबाइल में बिजी हो, किसी ने सोचा भी है कि खाना क्या खाना है? पापा मैं क्या सोच रही थी, हम बाहर चलते हैं। क्यों बाहर क्यों? खाना खाने।
ये लड़का जो पाल रखा है जो भी है ये बाहर जाकर पैसा क्यों बर्बाद करे, उसे ही बनवाओ। मैं सोच रही थी कि क्या खाना अच्छा नहीं बनाता क्या? खाना अच्छा बनाता है पर पापा आए हैं तो हम लोग बाहर घूम भी लेंगे और खा भी लेंगे। नहीं 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 नहीं, पापा सही कह रहे, घर में खा लेते हैं और फिर चलेंगे बाहर घूमने। पैसा क्यों वेस्ट करने का ना पापा? सही बोली बेटा तू, उसको बुलाओ मैं बात करता हूँ। रोहन, अरे कहाँ रह गया मरदूद? जी मुझे बुलाया आपने, दूर खड़े होकर बात कर। अच्छा ये बता क्या क्या बनाना आता है? आप जो बोले मैं बना लूंगा, नहीं बना लूंगा। अरे अच्छे से तुझे क्या क्या बनाना आता है? मैं लेडी फिंगर बहुत अच्छा बनाता हूँ। औरतों की उंगलियां बनाकर खिलाएगा हमें? हम शक्कर लिए बेटा, तुमने बताया नहीं इसको? पापा लेडी फिंगर यानी भिंडी, औरतों की उंगलियां नहीं। अच्छा भिंडी, अच्छे तरीके से बता तुझे क्या क्या बनाना आता है और मेहरबानी करके हिंदी में बता। ओके बाबा, हिंदी में बोलता आप जो बोले मैं बना लूंगा, नहीं बना लूंगा। पहले तू ये डिसाइड कर दे तू बनाएगी या बनाएगा। क्या हुआ तुम्हें, तुम सही से बात नहीं कर सकते क्या? मैं क्या करूं, जब देखता हूँ अंदर की तरह बाहर आ जाऊं। वो सब छोड़, अच्छे से बता क्या क्या बनाना आता है तुझे। मैं ना लौकी, टिंडी, गोभी, बंद गोभी और तरुण भी बना लेती हूँ। सब्जियां भी ये वही बनाता है जिनके नाम लड़कियों की तरह है, भिंडी, टिंडली, लौकी, गोभी। पापा है भी तो वो ये ना। चल जल्दी जा, जो तुझे अच्छे से आता है बना के ले आ, बहुत भूख लगी है। ओके बाय हैंडसम। तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना, क्या क्या करना पड़ रहा है यार। रोहन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा तो हो रहा है, नौकर बन गया हूँ, गे बन गया हूँ, इससे ज्यादा क्या होगा। हे धीरे, मैं इसकी बात नहीं कर रही, तुम जो मेरे पापा के साथ कर रहे हो ना उसकी कर रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अच्छा तुम पापा की बड़ी चिंता है, मेरी नहीं? अरे यार तूने तो डरा ही दिया था। मैं हूँ रोहन, माना कि तुम्हें गे की एक्टिंग करनी पड़ रही है लेकिन अब ना ये एक्टिंग थोड़ी ओवर हो रही है और प्लीज ये एक्टिंग पापा के सामने नहीं प्लीज। यार यही मैं भी कह रही थी। तुम दोनों ना उपदेश देना बंद कर दो ठीक है, और मेरी जगह आके देखो, मैं करने आया था तुम्हारे साथ रोमांस, और किसके साथ कर रहा हूँ? पापा के साथ। तेरी वॉट लगी यार, घे बन गया हूँ, नौकर बन गया हूँ, और क्या क्या बनू मैं। हेलो, किसने कहा तुम्हें घे प्रूफ करने के लिए, वो भी मेरे पापा के साथ? मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं खुद से कर रहा हूँ। अब मैं समझी, इसके अंदर किसी गे की आत्मा आ गई है और ये जानबूझकर पापा पर लाइन मार रहा है। एग्जैक्टली अब मैं समझी। कितनी टैलेंटेड है तुम्हारी फ्रेंड, कितनी अच्छी नजर है, कैसे पहचान लिया मेरे टैलेंट को। क्या करूं मैडम, मेरा तो काम ही यही है। हे तुम्हें पता है ना कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, कि तुम्हारे पापा इरिटेट हो जाए, या तो खुद चले जाए या मुझे भगा दें और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके हेलो, तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है जब तुम शादी के लिए बात करने आओगे ना घर में कितनी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, तुम्हें नहीं पता? प्रॉब्लम पहले से ही खड़ी है, उनकी नजर में अभी भी मैं गे हूँ, शादी तो तुम छोड़ ही दो, भूल जाओ। क्या यार समझाओ इसको यार। सुन ये ना सही कह रहा है, तू अभी की सोच, बात की हम बाद में देख लेंगे। यार तुम दोनों पागल हो गए हो, जो करना है कर लो। तुम तो जानवी,
कोई हेल्प चाहिए? नहीं माते, तुम जाओ वरना पापा को और शक हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। जाओ मिस्टर प्लक। तू भी खाना खा ले या मुझे देखकर ही अपना पेट भरेगा? पहले आप खाइए ना, उसके बाद मैं खा लूंगा, मतलब खा लूंगा। मैं क्या तेरा खसम लगता हूँ जो तू मेरे खाने के बाद खाएगा? काश होते, तू कितना मजा आता। किचन में जा अंदर, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग गया ना, फिर तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। कौन कम वक्त उस जानवर से बचना चाहता है? मुझे प्लीज एक बार इस जानवर से मिलवाओ। I love जानवर। चल जा। बेटा तुम लोग सही कह रही थी। क्या पापा? यही कि तुम लोग इसके साथ सेफ हो, खतरा तो ये साला हम मर्दों के लिए है। अरे अच्छा वाला पापा, आप हमारे साथ रह रहे हो, नहीं तो पता नहीं कब आपकी इज्जत। तो चुप कर, कुछ भी मत बोल। सही बोल रही है बेटा, ये बहुत खतरनाक है ये। वैसे खाना अच्छा बना लेता है। खैर छोड़ो, तुम लोग खाना खाओ। कितना क्यूट है ना। जानवी तुझे याद है एक दिन मैं आइसक्रीम लाई थी, हम लोगों ने ड्राइंग रूम में बैठ के खाई थी? अच्छा तुझे याद है एक दिन मैं पिज्जा लाई थी हम सब के लिए, हमने मिलके खाया था? हाँ याद है, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? बहन फिर आज तेरा बॉयफ्रेंड आया, तूने हमसे पूछा तक नहीं। भूखी बच्ची तू क्या पागल हो गई? कुछ भी कर रही है, कुछ भी बोल रही है। कुछ की सर। How mean? You mean too? अरे बेटी पुष्पा, तू क्यों नहीं खेल रही है बेटा? पापा पुष्पा मत बोला करो, पू बोला करो। अरे बेटा मैं पू ही बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत अजीब लगता है मुझे। अजीब क्यों लगता है? इतना सही तो लगता है पू। देख बेटा बुरा मत मानना, जब ये लोग तुझे पू बुलाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी का पू निकल गया हो। बोल सकते हो? ओके बेटा चल आ जा, खेलेगी तो। वो एक्चुअली से खेलने से ना मेरे नाखून खराब हो जाते हैं। ओके बेटा चलो, अब रानी को तो मैं ही लूंगा। क्वीन क्यों, मैं हूं ना। क्या मैं बोल रहा था कि वो कुछ आप लेंगे खाने पीने के लिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, खेलने दे मुझे। क्वीन तो इस बार मेरी है पापा। कोई नहीं कल, कोई नहीं कल।
छोटी तू कभी नहीं करेगा। मैं भी इस गेम में बहुत तेज हूँ, बस एक चांस दीजिए। रानी खुद में खुद पार हो जाएगी। आप भी हाथ लगाइए। ये मैंने बोला था ना, रानी चली गई। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतने लकी हो। यस आई एम सो लकी फॉर यू। मैं पागल था जो तुम्हारे प्यार से अब तक दूर भाग रहा था। वो कोई महान इंसान होगा जिसने ये कहा था। क्या? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सच्ची उच्ची? हाँ। पापा, क्या कर रहे हैं आप? सच बताऊँ बेटा, बहुत दिनों से मैं अपने जज्बातों को दबा कर जी रहा था, लेकिन आज मुझे मेरा सच्चा हमसफर मिल गया है। दोनों मिलकर खाएंगे। पापा, पापा, बस हुआ। हाँ बेटा, अभी तो ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है। पापा, अगर आपने अभी के अभी ऐसा बंद नहीं किया ना, तो मैं मम्मी को कॉल कर दूंगी और आपकी सारी सच्चाई मम्मी को बता दूंगी। तुझे जो करना है कर। मेरा प्यार अब रोहन के लिए कम नहीं होगा। रोहन, कन्या, क्या कर रहे हो? मुझे पता था क्या की निकले ड्रामा बन गया हूँ, इस ड्रामे को खत्म कर दूंगा। बस कर, सुबह से तुम लोग ये बकवास कर रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। यही सोचकर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अरे किसी को पता तक नहीं चलने दिया, और आज जब मुझे मेरा प्यार मिल गया है तो तुम लोग मेरे खिलाफ हो। अरे तुम लोग तो आजकल की पढ़ी लिखी समझदार बच्ची हो, कम से कम तुम लोग तो समझो मेरे अंदर के जज्बात को। बस समझ गया मैं, तुम लोग नहीं समझोगे मुझे। चल रोहन, मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो। आज मूड भी नहीं है और बच्चे अच्छा ही है। पापा प्लीज। जानवी, खबरदार जो कोई मेरे पीछे आया तो। पापा कुछ करना। रोहन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहन, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। क्या नहीं रह सकते? जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हूं मैं।
कैसा? बस पापा, बस आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, फिर चाहे जो भी हो, क्योंकि ये सब अब मैं नहीं देख सकती। कौन सी सच्चाई? जानवी, आप क्यों बता रही सच्चाई? जो होना है वो होने दे। सच्चाई बताएं। कौन सी सच्चाई? पापा, रोहन मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या बोल रही है तू? मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और तू? और तू मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती है? ये समाज के डर से झूठ बोल रही है कि ये खाना बनाने वाला तेरा बॉयफ्रेंड है। पापा, वो सही बोल रही है। तू भी इनसे मिली हुई है, मेरी खुशी की किसी को चिंता नहीं है। पापा, अगर हम दोनों पे भरोसा नहीं है तो इन दोनों से पूछिए ना, सच्चाई क्या है, खुद को पता चल जाएगी। मुझे किसी से नहीं पूछना, तुम सब मिले हुए हो। डेजी यार, प्लीज तू बता पापा को, तब कुछ समझ आएगा। हाँ बेटा, तू सच्चाई बता। क्या पापा, मुझे नहीं मालूम ये क्या बोल रही है। ये तो हमारा बॉय है, सब काम करता है, कब से बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल रही है। हाँ हाँ पापा, ये बॉय है। तू सही में मेरी बेटी है, इसको तो मैं जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुझे गोद ले लूंगा। थैंक यू पापा। क्या थैंक यू? तो तू भी स्टार्ट हो गई। अरे यार, कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे? अभी क्या बोल रहा है तू? चुपचाप अपना काम कर, और जो पापा बोल रहे वो कर चुपचाप। हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग सब बाहर निकलो। हाँ पापा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ पापा, चलो चलो चल निकल, चलो चलो चल चल नहीं जा रही, चलो क्या बोल रहे हैं, चलो 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 अरे ये गे होने के साथ साथ पागल भी है क्या? ये सभी गे ऐसे ही होते हैं? पता नहीं पापा, हमने भी पहली बार ऐसा कैरेक्टर देखा है। अरे लेकिन उसको हुआ क्या? क्या हुआ रोहन? ऑल ओके ना? हाँ ऑल ओके, आई एम टोटली फाइन। अरे छोड़ो इसे, मैंने क्वीन ले ली। ए शिट, जीत गए हम लोग। ए पापा, एक और बार, इस बार रानी मेरी। हाँ चल ठीक है, लगा फिर से। देजी बेटा, एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना। हाँ पापा बोलिए। बेटा कम खाया कर थोड़ा। तू भी खा। पापा आपको क्या मालूम, ये सब देख रहे हो आप? देखो क्या मेंटेन करना पड़ता है पापा। अरे उधर जाते हैं ना हम लोग कसरत करने, जिम जिम। खड़ा जाती है तू? हाँ बिल्कुल, चलना आपको? नहीं बेटा, अब मेरी उम्र का। अरे चलो, फिट हो जाओगे। हाँ हाँ पापा, जाना चाहिए आपको। तुम लोग कहते हो तो बेटा ठीक है, हो जाए दंगल, एकदम फिट। मम्मी खुश हो जाएगी उधर। Pipe down. Yes. Up. Elbow up, body length fact. अरे बेटी, पिज्जा बर्गर खाओगे तो ऐसे ही वजन उठाओगे, इतना कम। हाँ पापा, वो उठा के देखो। अरे असली की खाओ और ऐसा उठाओ। हाँ। अरे दूसरा वाला, दूसरा वाला। कुछ ज्यादा ही हैवी है। हाँ ये वाला लो, बहुत लाइट है ये। हाँ भैया, हाथ लगाओगे भैया? लगता है घी मक्खन मलाई कुछ खाया नहीं आपने भी, दिखा दो भाई। हम्म,
हमसे कहीं नहीं उठाई है। वाह भैया, कसरती गठीला वजन है तुम्हारा। धन्यवाद। हम भी ऐसा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बनेगी सर। आराम से, आराम से, आराम से। भैया हमसे ना हो पाएगा। ठीक है सर, मैं आपको कर दूंगा। पापा इसको कहीं रख दूं क्या? अरे सर पे रख दे मेरे। जाए इधर से। कहाँ से पकड़ के ले जाते हैं? अरे भैया बहुत खतरनाक है ये मर्दों के लिए। तो बताओ उनको। चलिए क्या? हाँ मैं भी ये करूँ क्या? अरे कोई लेके जाओ यार इसको। Answered, sit, 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 up, very good. यही पोस्चर रखना सर। संभाल के। रोहन पानी देना। तुम लोग घर पे भी काम कर रहे हो? सुबह से शाम तक काम ही करता हूँ, यहाँ पे भी घर पे भी। मैं क्यों दूँ? खुद पी लेना। यहाँ कौन सा पापा है? पापा ये लो। सुन कैरेक्टर मत छोड़, पापा को शक हो जाएगा। हो गया तो अपने कराया अच्छे से। यार अब चुप हो जा। पू इतना सेंटी क्यों हो रही है? तुझे मालूम है ना मैं कुछ भी बोलती हूँ। बेटा तुम दोनों जानवी की मम्मी को फोन करके बता दो लड्डू कैसा लगा। हाँ हाँ पापा। क्या हुआ बेटा पू? कुछ नहीं पापा। क्यों रो रही है बेटा? कुछ नहीं पापा। जी जी क्या हुआ इसको? कुछ नहीं पापा। बेटा मैं तेरे पापा की तरह हूँ, बता क्या हुआ तुझे? क्या हुआ पू, क्यों रो रही हो? तुम लोगों ने कुछ बोला क्या इसको? नहीं पापा। फिर? नहीं पापा कुछ नहीं। डेजी पापा कुछ पूछ रहे हैं, बता क्या हुआ पू, क्यों रो रही है? वो सुनना। हाँ जी मैडम। मैडम नहीं पू, बोल पू। हाँ जी पू मैडम। बस पू, मैडम मत लगा, केवल पू। हाँ जी केवल पू मैडम। छोड़ डेजी, मेरा फोन देखा? नहीं नहीं देखा। पू मेरा फोन देखा? पू अभी ये किससे लगी पड़ी है सुबह सुबह? आयरन मैन से। तुझे नहीं मिली थी? सच में अपने आयरन मैन से। आयरन मैन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो इसको तो छोड़ मेरे भी औकात से बाहर है। बताना तो बता वरना छोड़। अरे अपना स्त्री वाला उससे लगी हुई है, इतने दिनों से लाइन मार रही है उसके ऊपर, तुझे पता नहीं है? अबे पागल है क्या? मैं किसी और रूम में फोन देखती हूँ। तो ये बता कपड़े लेने क्यों नहीं आया आयरन के लिए? आज सुबह ही तो आया था, तब तो शोभा मैडम ने मना कर दिया था कि कपड़े नहीं है। अरे उससे क्या पता, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखे हैं। क्या? मेरा मतलब अलमीरा से निकाल के रखे हैं। ओ तो मैडम आज तो नहीं आ पाऊंगा, आप कल अपने कपड़े निकाल कर रखना, कल सुबह सुबह आकर ले जाऊंगा। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, तुम आओ तो। आप मेरी टांग खींच रही हैं मैडम। नहीं पैंट। हेलो यार, पू तेरी तो किस्मत सच में खराब है, एक स्त्री वाले ने तेरा फोन काट दिया। अपनी तो नहीं मेरी इज्जत का तो ख्याल रख। डेजी हाँ पूरा दिन सचती रहती है, आज तक एक बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तूने, तो उसे रोना आ गया।
इसे भी चाहिए कि इसका बॉयफ्रेंड हो, इसे कोई प्यार करे, घुमाए, खिलाए पिलाए, इसका ख्याल रखे। बेटा मैं समझ सकता हूँ ये सब, तुम्हारी उम्र में ये सब होना आम बात है। तू मेरी बात मान, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ पो, चिंता मत कर, पापा कह रहे ना सब ठीक हो जाएगा। बेटा सुन, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे ये बता रोहन तुझे कैसा लगता है? क्यों? अरे जानता हूँ थोड़ी कमी है उसमें, केश है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। रोहन को जानता हूँ मैं, बहुत अच्छा लड़का है। अरे किचन में काम करता है तो क्या हुआ, दुनिया के बड़े बड़े होटलों में मर्द ही तो खाना बनाते हैं। सोच, मेहनत करके खाता है। अगर तू ये उसकी गे वाली आदत छुड़वा देना तो मैं तेरे पापा से तुम दोनों की शादी की बात करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? लोग क्या कहेंगे? नौकर से शादी करा दी। बेटा नौकर क्या इंसान नहीं होते? यही संस्कार दिए मैंने तुझे, इंसान क्या काम करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इंसान अच्छा है या नहीं। और रोहन दिल का बहुत साफ है। बेटा तू लगी रहे उसके साथ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मिल गया बॉयफ्रेंड। क्या छोड़ यार, क्या है बॉयफ्रेंड मिला तो भी सेकंड हैंड। डेजी प्लीज दो मिनट रुक जा, चल हट। देख पू, पापा ने अभी बाहर जो कुछ भी कहा ना, प्लीज वो सब भूल जा। बस यार तू तो रोहन पे लाइन मत मार, तू तो जानती है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज यार बोल ले, मैं बाद में बात कर लूंगी। तू ही बोल ले, ऐसे भी कौन सी मेरी बात सुनती है। तो जब पता है तो बोलने देना यार। तो बोल ना। चुप कर, सुन। देख पापा इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तू तो जानती है ना कि जानवी और रोहन के बीच में क्या चल रहा है। हाँ बट यहाँ इफ और बट की जरूरत नहीं है पू। देख पापा ने जो कहा ना वो सब भूल जा, और हम जो कह रहे हैं ना अभी वो फाइनल है और तू वही करेगी। मैं नहीं करूँगी, लेकिन पापा को कौन समझाएगा यार। पापा भूल जाएंगे पू, तू भी भूल जा। चल ठीक है। देख पू सोच ले, इतना बड़ा मौका हाथ से मत जाने दे। ओए तू अपना मुंह बंद रख, एक शब्द नहीं बोलेगी तू। ये बीच में बोलती है, हमेशा बीच में बोलती है। हो गया तेरा, अब जाऊं मैं। ऐसी थी, मुझे पापा से मिलना है। पापा ये आप देखिए, इसमें ना बहुत अच्छे लड़के लड़कियाँ दिखते हैं, आप दोस्ती भी कर सकते हैं। बेटा अब हम क्या लड़के लड़कियों से दोस्ती करेंगे? अरे पापा आंटियाँ भी हैं। हाँ पापा ये देखिए, बदमाश। फोन दे मुझे।
रोहन। हाँ जी। मैं क्या कह रही थी? बोलिए ना। ये क्या है? क्या क्या? ये हाँ सब जानते हैं, ये आलू है। पता है तुम्हें, हम दोनों में ना एक चीज कॉमन है, तुम ना आलू की तरह हो और मैं जीरे की तरह। आलू हर सब्जी में डाल सकते हैं, जीरा भी हर सब्जी में डलता है, लेकिन जब आलू और जीरा एक साथ आते हैं ना तो आलू और जीरा बनता है, और है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। देखो असर हो रहा है, वो लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है। रोहन सुनो ना, उसका शरीर भी मर्दाना होता जा रहा है, कि आइडिया सही काम कर रहा है। अरे बेटा पू, तुझे मैंने काम बोला था ना। क्या पापा? रोहन बुलाया अपने पापा, पू के साथ मार्केट जा और कुछ सब्जियां लेकर आ जा। पापा वो तो बिजी है काम करने में, मैं जाती हूँ ना रोहन के साथ। अरे बेटा मैं तेरी नहीं उसकी सेटिंग की बात कर रहा हूँ, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे। कैसे पापा हो यार, जब देखो तब पूरी इधर जाओ उधर जाओ, रोहन इसके साथ उसके साथ, शर्म नहीं आती आपको? अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा कर बैठो, बापों के साथ हो। बेटा समझ गई हुँ? बेटा साथ में ठीक है पापा। और सुन होटल भी जाके कुछ खा के आ जाना। ठीक है। अरे बेटा तू मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? अरे बच्चे अपने माँ बाप को थैंक यू बोलते हैं भला, ये तो मेरा फर्ज था बेटा। तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, भगवान तुझे और रोहन को हमेशा खुश रखे। और सुन होटल से वो मशहूर फालूदा खाते हुए आना बेटा, और हाँ जल्दी घर आ जा, फिर आज रात को पार्टी करते हैं। किस बात की पार्टी का? अरे बेटा खुशखबरी है, रोहन ने पू के प्यार को स्वीकार कर लिया है, अब दोनों बहुत खुश लग रहे एक दूसरे के साथ। मैं ये खुशखबरी सबको देता हूँ। हाँ डेजी शोभा,
आगे बेटा आओ। अरे बेटी जानवी, शोभा, डेजी, देखो रोहन और पू आए। ओहो पू, पू मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, थोड़ा अंदर चल। क्या बात करनी है ये नहीं बता देना, सब अपने ही तो लोग हैं। खुश रहो मेरे बच्चों। हाँ बेटा यही बता दे, मुझे तो लगता है मेरी बेटी सबसे ज्यादा खुश है पू के लिए। हाँ पापा मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन पू के लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये मेरे दोस्त भी तो है। क्यों पू? पापा लेके जाऊं? जा बेटा। मैं आती हूँ पापा। साली कुत्ती तू, इज्जत से बात कर समझी? इज्जत से बात कर, तब कहाँ गई थी तेरी इज्जत जब तू मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर लाइन मार रही थी? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ बोलना, शर्म नहीं आई? मैंने तुझे बहन समझा और तूने मेरे ही बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया। देख तेरा बॉयफ्रेंड है ना तुझसे प्यार नहीं करता, और करेगा भी क्यों? क्योंकि तूने तो उस बेचारे को घर का नौकर बना दिया, और तो और अच्छे खासे लड़के को गे बना दिया। मैंने ना उसको इज्जत दी है, प्यार दिया है, और तो और गे से छुटकारा दिलाया। अब है ना वो पापा की नजर में भी गे नहीं है, समझी? ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जान ले लो इस सारी कुत्ती का, हट, छोड़ो पापा, चुप भी जा तो मैं इसकी जान ले लूंगी आज। तू चुप रह, इधर खड़े रहो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पापा इसकी जान ले लूंगी मैं। ले लेना इसकी जान। पहले ये बता क्या किया इसने? बोल बोला, अब बोल क्यों नहीं रही है? पापा पापा छोड़ो ना ये सब, प्लीज शांत हो जाओ। नहीं जब मेरे सामने ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो पता नहीं पीछे क्या करते होंगे। चल सामान पैक कर तू अपना, तेरी नौकरी वोकरी सब बंद, घर चला अभी मेरे साथ। पापा इसने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत किया इसने? पापा प्लीज रहने दीजिए, प्लीज ऐसे मत झगड़िए आज वैसे भी। देख बेटी इन सब में तू सबसे ज्यादा ही समझदार है, तेरे कहने पे मैं तेरी बात रखता हूँ। तुम लोग को आखिरी बार समझा रहा हूँ, झगड़ा बंद करो। पापा पापा मैं बहुत दिन से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कि मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ पापा, और उसके आसपास किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इस पू को तो बिल्कुल भी नहीं। पापा मैं बहुत प्यार करती हूँ रोहन से, तो प्लीज पापा, पापा प्लीज। बेटा तुझसे ये सब बात बुलवाने के लिए हमें कितना ड्रामा करना पड़ा। मुझे पहले से पता था कि तू और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन पापा आपको कैसे पता चला? बेटा उस दिन जब मैं कैरम खेल रहा था तो फिर किचन में गया था। क्या चाहिए आपको? अरे फ्रिज में भी पानी नहीं है, एक ग्लास पानी दे। मैं देता हूँ। ये लीजिए पानी। देख तुझे कितनी देर से इग्नोर कर रहा हूँ, और साला तू पापा रुकिए, क्या हुआ? अरे साले कब से परेशान कर रखा है ये? अबे शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुझमें? पापा रुकिए, इसे मारिए मत, मुझे आपको एक बात बतानी है। डेजी नहीं रिलैक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है।
अरे तू कहाँ लेके जा रही है? अरे पापा आओ तो सही, बताती हूँ। अरे बोल डेजी, क्या बोलना है तुझे? अच्छा पापा, आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? बाप हूँ बेटा मैं उसका। अरे उसमें जान बसती है मेरी, मेरे लिए वो जिंदगी है। लेकिन इन सब बातों का मेरे और जानवी के प्यार से क्या लेना देना है पापा? अच्छा आप अपनी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। लेकिन तू सीधा सीधा बोल, बात क्यों घुमा रही है? ठीक है पापा, बात ये है कि अगर आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं तो आपको रोहन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो पापा, रोहन जानवी से और जानवी रोहन से बहुत प्यार करते हैं, और उस दिन वो इसी से मिलने आया था पर आप आ गए। आपको देखकर हम सब बहुत डर गए और आपको झूठ बोलना पड़ा। तो मेरी बेटी मुझसे डरती है? पापा डरती नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो फिर सच क्यों नहीं बोली बेटा वो? पापा वो एक्चुअली आपको सच बोलकर आपको दुखी नहीं करना चाहता। बेटा एक बाप के लिए उसकी बेटी की खुशी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। रोहन मुझे अच्छा लगा जो आज भी अपने प्यार के लिए ये सब कर रहा है। पापा थैंक यू मुझे समझने के लिए। ठीक है लेकिन अब तो मुझे मत छेड़ना। कभी नहीं पापा, कभी नहीं। लेकिन बेटा मैं चाहता था कि जानवी ये बात मुझे खुद बताए। मैं भी उसे बुला के लाती हूँ पापा। नहीं ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ वो खुद बोले और हक से बोले कि मैं रोहन से प्यार करती हूँ। तो फिर एक रास्ता है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। फिर डेजी ने ये सब प्लान किया और हम सब उसके साथ थे। पापा आप लोगों ने तो मुझे भी शामिल नहीं किया। हाँ क्योंकि तुम जानवी को सब कुछ बता देती। आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने इस लड़के को पसंद किया है, और तुझे भी पूरा हक है अपने पसंद के लड़के से शादी करने का। क्या अरे गांव से हूं तो क्या हुआ? क्या सिर्फ शहर वाले ही अपने बच्चों से प्यार कर सकते हैं? अरे हम भी करते हैं, हम भी अपने बच्चों की खुशी के लिए ये सब कर सकते हैं। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू डेजी। चल चल नाटक मत कर, बस मेरी नींद खराब मत करना। हाँ हाँ नहीं करूंगी।